एग्जाम्पल, आपने एक कार्ड लिया और उस कार्ड पे आपने 99.9% केसेस में समुद्र में जो शिप होता है, इतना बड़ा सा शिप, वो अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कैप्टन होता है, क्रू होता है, जिनको पता है कि इसको भाई को लेके कहाँ जाना है। तो 1% लाइक 0.1% में कुछ चांसेस अलग हो सकते हैं अगर कोई मिस हैपनिंग हो तो, लेकिन 99.9% केसेस में तो वो शिप सही ही जाता है। अब आप सोच के देखो, अगर इतना बड़ा शिप है और बिना कैप्टन बिना क्रू के उसको बस समुद्र में छोड़ दिया जाए, कहाँ पहुंचेगा, क्या होगा? या तो कहीं लहरों में, गलत वेदर में डूब के खत्म हो जाएगा, या कहीं क्रैश हो जाएगा। यही दो चार चांसेस हैं। ठीक यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना डीप है, इतना इंटेंस है, इतना हेल्पफुल है, लेकिन उस बेचारे को खुद को नहीं पता कि उसको कहाँ लेके जाना है। तो ये जो जिम्मेदारी होती है कि शिप को कहाँ लेके जाना है, तो जैसे इतने बड़े से शिप पर एक छोटा सा कैप्टन होता है ना, जो उस शिप को सही ठीक से लेके जाता है, यही सेम चीज होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपका कॉन्शियस माइंड डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। अब हमारे पास एक दिन में, सिर्फ एक ही दिन में 70,000 विचार आते हैं, 70,000। अब उन 70,000 विचारों में अगर एक भी गोल नहीं है, अगर आप एमलेस हैं, तो हालत उस शिप के जैसी हो रही है जिसके पास कोई कैप्टन नहीं है। क्या शिप को फर्क पड़ता है कि उसे कौन लेके जा रहा है, या क्या शिप को फर्क पड़ता है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है? नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास गोल क्या है। गोल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप सेल्फ सबोटाज करते हैं, खुद का नुकसान करते हैं, ये नेगेटिव गोल्स बन जाते हैं अनकॉन्शियस। तो अगर आपके अंदर उस तरह के बिलीव्स हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे तो कोई भी छोड़ देगा, या मैं किसी काम में उतना अच्छा नहीं हूं या उतनी अच्छी नहीं हूं, ये सारे जो बिलीफ होते हैं, ये सबकॉन्शियस के लिए नेगेटिव गोल का काम करते हैं, और सबकॉन्शियस उनको मैनिफेस्ट कर रहा होता है, उनके फेवर में काम कर रहा होता है। लाइफ और मेस्डअप हो जाती है। तो आप में से वो लोग जिनकी लाइफ मेस्डअप हो चुकी है, बिल्कुल एमलेस हैं, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे कहाँ बढ़ें, क्या करें, अभी शुरुआत के लिए बता देती हूँ। वैसे अगर आपको हमारे साथ काम करना है, तो डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम पहले ही सेशन से लोगों के बिलीव्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं। पर अभी के लिए आप एक काम करें, पहली चीज आपको करनी है गोल सेट। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल बड़ा है या छोटा है, आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, आपकी लाइफ है। तो पहली चीज करें, गोल सेट कर लें, उसको किसी अफर्मेशन के रूप में छोटा सा एक सेंटेंस में चेंज करके एक कार्ड पर लिख लें। कोई भी एक छोटा सा कार्ड, आप उसको इस तरह के किसी भी छोटे से कार्ड पर लिख सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत पैसा कमाना है। अच्छा, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है कि बस आपने एक गोल बना लिया और एक कार्ड पे उसको लिखे रख लिया। अभी इसके आगे भी है, लेकिन अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार्ड लिया और उस कार्ड पे आपने अपना गोल लिख लिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं कि आपको पैसा कमाना है, क्योंकि यूजुअली ये बहुत कॉमन गोल मेरे पास आता है। अधिकतर दो ही टॉपिक पे लोग काम करने के लिए आते हैं, या तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होती है या पैसे में प्रॉब्लम होती है। तो आपको पैसे से रिलेटेड काम करना है। अपने छोटे से अफर्मेशन को आपको इस तरह से लिख लेना है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। आई एम अ मनी मैग्नेट एंड आई इजिली अर्न दिस मच अमाउंट एवरी मंथ। दिस मच में आप अपना अमाउंट फिक्स कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग इट, आई एम अ मनी मैग्नेट एंड आई अर्न दिस मच अमाउंट एवरी मंथ। इस तरह से आप अपना गोल रख सकते हैं अपने पास। ये हुई एक बात। तो इस कार्ड को आप अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में अपने साथ कैरी करें, ताकि दिन भर में जितनी भी बार ये आपको टच होगा, इसके टच से आपको ये फील होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके गोल से कनेक्ट कर देगा। ये हुई एक बात। नंबर टू, हर वो इंसान जो लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा है, गोल नहीं है, लाइफ थोड़ी सी मेस्डअप हुई हुई है, ब्रेकअप हो चुका है, लव लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, आप सारे लोग प्लीज जिम जाना स्टार्ट करो। जब आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है और आपका माइंडसेट बेटर होता है। तो आप वर्कआउट करना स्टार्ट करें, जिम जाना स्टार्ट करें, उसका आपके फिगर, आपकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बाय प्रोडक्ट है जो मिल ही जाता है, मगर वो आपके माइंडसेट पे काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरी चीज जो आपको शुरू करनी है, मैंने कहा था कि अगर आपकी लाइफ पूरी तरह से मेस्डअप हुई पड़ी है, तो आपको तीन चीजें करनी है। सबसे पहले आपको एक
कार्ड बनाना है, अपना गोल लेना है, उसको एक कार्ड पे पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में लिख लेना है, अपनी पॉकेट में या अपने वॉलेट में अपने साथ कैरी करना है। नंबर टू, आपको जिम ज्वाइन करना है, वर्कआउट करना है। नंबर थ्री, आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है इस साल। अगर अभी तक भी नहीं कर पाए हो तो इस साल आप प्लीज रीडिंग को अपनी हैबिट में इनकलकेट करो। रोज कुछ पेजेस पढ़ना कंपलसरी बना लो अपने लिए, नो मैटर व्हाट। याद रखना, टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। तो अगर आपको लीडर बनना है, सबसे पहले खुद की लाइफ लीड करो। ये मेजर मामला जो हुआ पड़ा है, ये ठीक हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस आपको हेल्प करने लग जाएगा अगर आप रीडिंग में इन्वॉल्व होते हो तो। आपकी बॉडी आपको हेल्प करेगी आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करके, और कॉन्शियस माइंड के पास गोल रहेगा तो लाइफ जो ऑफ ट्रैक हो गई है उसको ट्रैक पर लाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, ये तीन चीजें करने के लिए ना कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। लाइफ मैसेजअप किसी भी एज में हो सकती है, तो उसको ठीक भी किसी भी एज में किया जा सकता है। और अगर आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ठीक करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट से लाइफ में बड़े बड़े कबाड़े हुए पड़े रहते हैं, तो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए ये वीडियो देखना मत भूलना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू, नमस्ते।